एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में इससे बड़ा कलाकार तो हुआ ही नहीं। उसने अपने जीवन के 4 दशक स्टारडम में बिताए हैं। जो जहां भी जाता था, हजारों लाखों की भीड़ उसे केवल देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। उसके डांस मूव पूरी दुनिया में फेमस थे। इसकी पर्सनल लाइफ जितनी मिस्टीरियस थी, उतनी ही रहस्यमय उनकी मौत भी रही। लेकिन जब इनका मूनवॉक पूरी दुनिया के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा, हर कोई इनके मूनवॉक को कॉपी करने लगा, हमें यकीन है अब आप समझ ही गए होंगे हम बात माइकल जैक्सन की कर रहे हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहना। आज इस सेलिब्रिटी के जीवन के कुछ ऐसे राज हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना में एक म्यूजिशियन के घर में सबसे छोटे बेटे के रूप में माइकल का जन्म हुआ। बचपन की परिस्थितियां गरीबी और जिम्मेदारी भरी रही। 2 कमरे के मकान में अपने 7 भाई बहनों के साथ माता पिता को मिलाकर कुल 9 लोग रहा करते थे। इनके पिता जोसेफ वॉल्टर जैक्सन म्यूजिक लवर थे। छोटा मोटा म्यूजिक शो करते रहते थे अपने चाहने वालों के बीच। ये जो जैक्सन नाम से फेमस थे, माइकल के पिता को इनके म्यूजिक शो के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, मगर आगे चलकर इनके पिता ने अपनी बढ़ती उम्र के बच्चों को स्टेज परफॉर्मर बनाना शुरू कर दिया, खास तौर से माइकल जैक्सन को, क्योंकि माइकल जैक्सन सभी बच्चों में सबसे छोटे थे। केवल 5 साल की उम्र से ही माइकल ने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज अच्छी थी, वो बहुत अच्छे सिंगर और डांसर थे। उनका आर्ट उनके लिए गॉड गिफ्टेड था। इसके बाद उनके पिता ने अपने बच्चों के लिए एक बैंड बना दिया। माइकल के पिता समझ चुके थे कि उनका छोटा बेटा बहुत टैलेंटेड है, इसलिए उन्होंने उसी को ट्रेन करने पर ज्यादा फोकस किया। माइकल का बचपन डांस और गाने की रिहर्सल के साथ साथ बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस के प्रेशर में कहीं गुम होने लगा। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान सबसे छोटा माइकल सबसे आगे रहकर डांस भी करता और गाने भी गाता। धीरे धीरे इनका ये बैंड फेमस होने लगा। स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए पैसा भी आने लगा। इनके बैंड को कई म्यूजिक कंपनी से ऑफर भी मिले, कुछ कमर्शियल भी मिलने लगे। कमर्शियल के लिए डायलॉग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था। माइकल जहाँ रिकॉर्डिंग किया करते थे, उस स्टूडियो के सामने एक पार्क हुआ करता था जहाँ माइकल के हम उम्र अक्सर बच्चे खेला करते थे, जबकि इधर माइकल पर हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस का प्रेशर बना रहता था। इसके साथ ही उसके पिता की ट्रेनिंग और भी सख्त होती चली गई। माइकल अपने परिवार के बीच अकेला होता चला गया। माइकल जब भी रिहर्सल कर रहा होता तो वो अपने हम उम्र बच्चों को खेलते हुए देखा करता था। अगर स्टेज परफॉर्मेंस या रिहर्सल के दौरान माइकल से कोई गलती हो जाती थी तो वो कोई डायलॉग भूल जाते या फिर पिता की कही बातों पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे तो माइकल को पिता की मार भी खानी पड़ती थी। खुद माइकल जैक्सन ने अपने इंटरव्यू में कई बार इस चीज को स्वीकार किया है। जो जैक्सन को अपने बच्चों से कम उम्र में ही परफॉर्म करवाने और पैसा कमाने का आरोप लगने लगा। इतना ही नहीं, माइकल जैक्सन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, उनके पिता माइकल की नाक को लेकर उन्हें चिढ़ाने और बातें सुनाने लगे। ये तमाम हालात और ये बातें कहीं ना कहीं माइकल के दिलो दिमाग में बहुत ज्यादा गहरा असर करती जा रही थी। उनके भीतर अपने लुक को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता जा रहा था। इसी बीच इनके पिता ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को लेकर लॉस एंजेलिस आ जाए। वहां जाने के बाद बड़े बड़े शो मिलने लगे, माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। 70 के दशक में माइकल जैक्सन डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो अपने भाइयों से अलग हटकर अपना काम अलग करेंगे। सन 1975 में माइकल जैक्सन अपने परिवार से अलग हो गए और इन्होंने अपना काम भी अलग कर दिया। तब तक माइकल जैक्सन का एक नाम बन चुका था। अपने पिता और परिवार से अलग होकर माइकल जैक्सन ने उस समय के बेहतरीन म्यूजिक कंपनी के मालिक क्विंसी जॉन से संपर्क किया। क्विंसी जॉन माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंस से प्रभावित थे। उनकी पहली बार एक सोलो एल्बम निकाला गया। इस सोलो एल्बम ने पॉप म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचा दिया। लोग माइकल जैक्सन को पसंद करने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी में और इजाफा होने लगा। लेकिन माइकल जैक्सन का असली करिश्मा 1982 में सामने आया। एक टेलीविजन शो के दौरान माइकल जैक्सन ने अपनी उस क्रिएटिविटी को लोगों के सामने पेश किया जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं, और पूरी दुनिया में इसे कॉपी किया गया। वो था उनका मूनवॉक। मूनवॉक ऐसा डांस स्टाइल था जिसने माइकल जैक्सन को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके बाद इसी साल इनका एक और एल्बम आया थ्रिलर के नाम से। इसके आते तो माइकल की शोहरत और बढ़ गई।
आज भी विश्व रिकॉर्ड है कि किसी भी म्यूजिक एल्बम के इतने ज्यादा कॉपी नहीं बिके। थ्रिलर की उस समय 66 मिलियन कॉपीज बिकी थी। इसके बाद तो माइकल जैक्सन का म्यूजिक का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। लोग माइकल जैक्सन की तस्वीरें अपने घर में लगाने लगे। माइकल जैक्सन की प्रिंटेड टी शर्ट बाजार में बिकने लगी। लोग माइकल जैक्सन को सुपरस्टार की तरह ट्रीट करने लगे थे। इस दौरान माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप भी कहा जाने लगा। पॉप म्यूजिक की दुनिया में वो सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। ग्रेमी अवार्ड और दूसरे पुरस्कार उनकी झोली में आने लगे थे। माइकल जैक्सन के गानों की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि उनके लिए एक अलग से टीवी चैनल ही लॉन्च करना पड़ा। आपने एमटीवी का नाम तो सुना होगा। एमटीवी बेसिकली माइकल जैक्सन के गानों के लिए शुरू किया गया था। माइकल जैक्सन का स्टारडम चल ही रहा था, लेकिन साल 1985 के बाद माइकल जैक्सन में काफी चेंजेस देखने को मिले। उनकी नाक पहले की अपेक्षा काफी तीखी हो गई और उनकी बॉडी का कलर भी साफ होने लगा। इसके अलावा लोग माइकल जैक्सन की हेयर स्टाइल, उनके ड्रेसिंग सेंस और हर चीज को कॉपी करने लगे थे। कुल मिलाकर वो एक फैशन आइकॉन की तरह नजर आते थे। हैंड ग्लव्स पहनने का चलन उनका एक ऐसा फैशनेबल स्टाइल था जिसे लोगों ने कॉपी किया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें टच करे, इसलिए वो ग्लव्स पहनते थे। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा, लेकिन इसके बाद साल 1994 में एक पिता ने अपने बेटे के हवाले से माइकल जैक्सन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उसने आरोप अमेरिका के सिविल कोर्ट में लगाया था, जहां ये व्यवस्था होती है कि आरोपी और पीड़ित दोनों आपस में बैठकर समझौता कर लेते हैं। इस प्रकार मामला वहीं निपट जाता है। लेकिन अगर इस मामले में जब अमेरिकन क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जाता है, तो फिर वहां सच और झूठ की परख होती है और जो दोषी होता है उसे सजा मिलती है। माइकल जैक्सन चाहते थे कि वो इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाएं, लेकिन उस बच्चे के पिता ने इस मामले को सिविल कोर्ट में रखा। आखिरकार कुछ करोड़ डॉलर देकर माइकल ने इस मामले से पीछा छुड़ाया। लेकिन इस मामले ने माइकल जैक्सन की काफी बदनामी कराई। इस मामले से उबरने के लिए माइकल ने उस समय के म्यूजिकल लेजेंड एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा प्रेस्ली से शादी की। लेकिन उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली, केवल एक साल के अंदर इनका डिवोर्स हो गया। 18 मई 1995 को माइकल और लीजा की शादी हुई और फिर 18 जून 1996 को ये दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद इसी साल 15 नवंबर 1996 को माइकल जैक्सन ने अपने एक नर्स से शादी कर ली, जिसका नाम डेबी था, जो उनकी देखरेख किया करती थी। उनकी ये शादी कुछ ज्यादा समय तक चली और इससे इन्हें 3 बच्चे हुए। साल 1999 में माइकल का डेबी से भी तलाक हो गया और ये दोनों अलग हो गए। बच्चे माइकल के पास ही रहते थे। इसके लिए डेबी को माइकल ने काफी पैसे भी दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2003 में एक बार फिर माइकल जैक्सन पर यौन शोषण का आरोप लगता है। इस बार ये मामला क्रिमिनल कोर्ट में जाता है। माइकल जैक्सन के घर पर लॉस एंजेलिस की पुलिस पहुंचती है, मगर वो घर पर नहीं मिलते। बाद में माइकल जैक्सन सरेंडर करते हैं, तो उनकी पुलिस कस्टडी वाली तस्वीरें बड़ी तेजी से मीडिया में सर्कुलेट होती हैं। पूरी दुनिया में अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनता है। इस मामले की सुनवाई क्रिमिनल कोर्ट में 14 हफ्तों तक चली। कोर्ट को माइकल जैक्सन के दोषी होने का कोई सबूत नहीं मिलता और वो उन्हें बाइज्जत छोड़ देते हैं। बच्चों के यौन शोषण से संबंधित माइकल जैक्सन पर जितने भी आरोप लगे, वो सभी झूठे निकले, कभी साबित ही नहीं हो पाए। इसे लेकर जब माइकल जैक्सन से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो अक्सर बच्चों के साथ सो जाया करते थे। जब वो छोटे थे तो अपने 2 कमरों के घर में भाई बहनों के साथ सोया करते थे, लेकिन इसके अलावा उनका इरादा कभी गलत नहीं रहा, ना ही उन्होंने कभी किसी बच्चे के साथ कोई गलत काम किया। इन तमाम चीजों ने माइकल जैक्सन को काफी परेशान किया। जिस सफलता के शिखर पर वो थे, उसे मेंटेन रखना बड़ा आसान नहीं था। जिंदगी का अकेलापन, ऐसे कई सारे कारण की वजह से वो डिप्रेशन में आ गए। हालांकि पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट कर रहे थे, पूरी दुनिया में शो कर रहे थे। इसी बीच उनके ऊपर लगभग 50 करोड़ डॉलर का कर्ज भी था। हालांकि उनकी कमाई बेशुमार थी, वो आसानी से इस कर्ज को चुका सकते थे। धीरे धीरे माइकल जैक्सन पूरी दुनिया से कटने लगे और इन्होंने लगभग सभी से दूरी बना ली। साल 2009 में उन्होंने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया में लाइव कॉन्सर्ट करेंगे, जिसे माइकल जैक्सन रिटर्न के नाम से जाना जाएगा। ये उनका आखिरी लाइव कॉन्सर्ट होगा और इसका आखिरी शो लंदन में होगा। जून 2009 में उनका शो होना था, जिसकी वो रिहर्सल कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने काफी सारी पेन किलर लेना भी शुरू कर दिया था, जिसके बैड इफेक्ट उनकी बॉडी पर नजर आने लगे। वो केवल एक कंकाल की तरह दिखने लगे थे। 25 जून 2009 की सुबह उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और उनके साथ हमेशा करीब 8 डॉक्टर्स की टीम रहा करती थी, जिसे वो सैलरी दिया करते थे।
इनमें कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर कॉनराड मरे, जिन्हें वो लगभग $1.5 लाख मंथली सैलरी दिया करते थे। सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टर कॉनराड मरे उनके पास आए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अचानक संगीत का ये सितारा दुनिया छोड़कर चला गया। पूरी दुनिया में खबर फैल गई और हर कोई इस खबर से उदास था। दुनिया को ये बताया गया कि माइकल जैक्सन को दिल का दौरा पड़ा था। उनकी उम्र केवल 50 साल की थी। जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो उनके पेट में केवल दवाइयां ही निकली, खाने का एक दाना भी नहीं निकला। यानी वो केवल दवाइयों की डोज पर ही जिंदा थे। इंक्वायरी के बाद ये बात सामने आई कि माइकल जैक्सन बीते कई सालों से कई तरह की दवाएं और पेन किलर ले रहे थे। इनमें से 8 दवाएं ऐसी थी जो एक आम आदमी अगर ले ले तो बड़ी जल्दी से उसका ऊपर का टिकट कट जाएगा, लेकिन माइकल जैक्सन इन दवाओं के आदि हो चुके थे। ये सभी पेन किलर टाइप की दवाइयां थी। ये पेन किलर उन्हें डॉक्टर मरे दिया करते थे। बाद में डॉक्टर मरे पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चला और माइकल जैक्सन की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में डॉक्टर कॉनराड मरे को 4 साल की सजा भी हुई। माइकल जैक्सन आज भी लोगों के जहन में बसे हैं। उनकी फैमिली को आज भी बतौर रॉयल्टी $140 लाख साल भर में मिलते हैं, यानी मरने के बाद आज भी वो कमाई कर रहे हैं। ये थी माइकल जैक्सन की पूरी कहानी। हमें यकीन है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर आपकी राय का इंतजार हमें रहेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।